मध्य प्रदेश के बाद अब कांग्रेस के लिए राजस्थान में मुसीबत खड़ी हो गई है। सीएम अशोक गहलोत के डिप्टी सचिन पायलट ने पार्टी के खिलाफ बगावत कर दिया है। पायलट की बगावत के बाद से ही गहलोत की कुर्सी हिल रही है। जयपुर से उठकर पायलट ने दिल्ली में डेरा डाल दिया है और ये दावा कर रहे हैं कि उनके साथ 30 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है। इस सियासी सरगर्मी को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने चिंता जताते हुए ट्वीट किया, जिस पर बीजेपी नेता ने चुटकी ली है। सिब्बल ने पार्टी की हालत पर चिंता जताते हुए ट्वीट किया, पार्टी के लिए चिंतित हूँ। क्या हम तभी जागेंगे जब सारे घोड़े अस्तबल छोड़कर भाग चुके होंगे? तो सिब्बल के इस ट्वीट पर बीजेपी नेता और पार्टी के नेशनल सोशल मीडिया इंचार्ज प्रीति गांधी ने उस ट्वीट को कोट करते हुए सिब्बल पर तंज कसते हुए लिखा, लेकिन घोड़े हैं कहाँ, आपके अस्तबल में तो केवल गधे हैं। प्रीति अपने इस ट्वीट पर ही ट्रोल हो गई। नेहरू नाम के यूजर ने लिखा, और बीजेपी उन गधों को खरीदती है क्योंकि शायद अब एक ही झुंड के हैं। श्रीनिवासन राव नाम के यूजर ने लिखा, फिर गधे खरीदे क्यों जा रहे हैं। बी महात्रे ने लिखा, तो बीजेपी कांग्रेस के अस्तबल से गधे खरीदती है। महाराज सुनते हो, सस्ती गांधी आंटी बुला रही है। सजय श्रीवास्तव ने ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट को टैग करते हुए लिखा, ये आप दोनों के लिए आपकी बीजेपी टीम की तरफ से है। गौरतलब है कि राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने पार्टी से बगावत कर दी है। वो दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं और ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास 30 विधायकों का समर्थन है। सोमवार को जयपुर में बुलाई गई विधायक दल की बैठक में सचिन पायलट शामिल नहीं हुए। कांग्रेस का दावा है कि उनके पास 109 विधायकों का समर्थन है। कांग्रेस ने दिल्ली से रणदीप सुरजेवाला, अजय माकन और केसी वेणुगोपाल जैसे दिग्गज नेताओं को जयपुर भेजा है। रणदीप सुरजेवाला ने दावा किया है कि पार्टी सचिन पायलट के संपर्क में है और उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जयपुर के कांग्रेस कार्यालय से सचिन पायलट की तस्वीर उतार दी गई है